नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ हमारे भारत दस्तावेज के दर्शकों के लिए। हमारे सहयोगी चैनल पंजाब दस्तावेज के द्वारा करे गए कुछ खुलासों के बाद आखिर कैसे दो बौखलाए हुए बिल्डर्स ने संचालक तक पहुंचने की कोशिश करी, क्या कार्यवाही डाली और आखिर में उनका क्या हश्र हुआ, अब हम आपको बताएंगे। भारत दस्तावेज की मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान से ये गुजारिश है कि वो इस खबर पर खास ध्यान दें। पंजाब दस्तावेज पर एपिसोड नंबर 477 पर कुछ समय पहले खबर दी गई थी एक सोसाइटी के बारे में जिसका नाम है वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी सेक्टर 69। खबर में ये बताया गया था कि सोसाइटी के प्रधान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ऑफिसर शाही के साथ मिलकर बहुत बड़ा स्कैम करने की तैयारी में हैं। नए एस्टिमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कीमत 3,000 करोड़ तक हो सकती है और कोऑपरेटिव विभाग भी इसमें शामिल है। ABS बिल्डर्स की एक व्यक्ति द्वारा हमें ये पता चला है कि अब प्रोजेक्ट अप्रूव होने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान के दस्तखत बाकी हैं और बाकी सब ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है। तो हुआ ये कि 25/3/24 को खबर चलने के बाद नरेंद्र नामक एक व्यक्ति ने पंजाब दस्तावेज को संपर्क किया और मिलने की इच्छा जाहिर करी। कारण पूछने पर यह बताया कि उनके पास सोसाइटी के बारे में और भी जानकारी थी क्योंकि वो उस सोसाइटी के काफी पुराने मेंबर थे। अब आप अपने सामने उस शख्स की CCTV फुटेज देख सकते हैं जब वो खबर चलने के 9 दिन बाद आकर पंजाब दस्तावेज के संचालक से मिला। नरेंद्र के मुताबिक सोसाइटी 1970 में बनी है और किसी भी मेंबर को प्लॉट, घर या फ्लैट अभी तक नहीं मिला है और इंतजार करते करते उनकी उम्र हो गई है और अब उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते नरेंद्र ने कहा कि सभी मेंबर्स ने फैसला किया है कि 7.45 एकड़ जमीन ABS बिल्डर्स को दे दी जाए और वो मुफ्त में उनको 199 फ्लैट बनाकर दें क्योंकि सोसाइटी में उतने ही मेंबर्स हैं। इसी के चलते नरेंद्र से कुछ सवाल किए गए जैसे कि क्या इस फैसले से सारे मेंबर्स राजी हैं, जिसका जवाब देते हुए नरेंद्र ने कहा कि काफी मेंबर्स राजी थे और प्रधान भी मान गए थे। इस पर पंजाब दस्तावेज ने कहा कि जिन लोगों ने पहले पंजाब दस्तावेज से बात करी थी उनको इस फैसले के बारे में ना तो पता था और ना ही ये पता था कि प्रधान मोहिंदर सिंह बरार भी ये फैसला कर चुके हैं क्योंकि वो कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करते। और इसका जवाब ये आया कि बरार अब प्रधान नहीं रहे। काउंटर करते हुए पंजाब दस्तावेज ने ये कहा कि उनकी सोर्सेज इस बात को जानते ही नहीं हैं और अगर ये बात सच भी है तो जनरल बॉडी की मीटिंग कब हुई और कब नए प्रधान को चुना गया। नरेंद्र ने ये कहा कि अब प्रधान गगनदीप सिंह हैं और सब कुछ पूरा हो गया है, मीटिंग भी हुई थी और अब बस मुख्यमंत्री के दस्तखत बाकी हैं और उन्हें पंजाब दस्तावेज की मदद चाहिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के दस्तखत करवाने के लिए, जिस पर पंजाब दस्तावेज कहता है कि ये काम उनके क्षेत्र से बाहर है। आगे सवाल ये किया गया नरेंद्र से कि क्या उन्हें पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 सेक्शन 13 और 80 के मुताबिक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ अपना अलायंस नहीं बना सकती, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के बीच रह सकती है अगर उसके 2/3 मेंबर्स रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहमति के साथ मीटिंग करके ये अग्रीमेंट या बिल पास कर दें कि वो दूसरी सोसाइटी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करना चाहती है तो वो संभव है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के साथ ये संभव नहीं है और गैर कानूनी होगा। जिसका जवाब नरेंद्र देता है कि वो फाइल मुकम्मल हो चुकी है और अब बस मुख्यमंत्री के दस्तखत बाकी हैं। इस पर सवाल ये उठाया कि क्या उन्होंने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कोई अग्रीमेंट किया था या नहीं, जिसका जवाब ये आया कि वो बात तो अप्रूवल के बाद ही होगी।
तकरीबन 40 मिनट बैठने के बाद नरेंद्र वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमारे पंजाब दस्तावेज के संचालक गगनदीप सिंह को फोन लगाते हैं, जिसका कुछ महत्वपूर्ण ऑडियो अब आप सुनेंगे। हेलो हेलो, गगनदीप जी बोल रहे हैं जी। हाँ जी, गगन बोल रहे हैं। गगनदीप जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैं जी रिंदर सिंह तकड़ बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट पंजाब दस्तावेज चैनल तो। मैं चेक करना सी मिस्टर नरेंद्र कुमार कोई थोड़े मेंबर है के? सोसाइटी के टोटल मेंबर कितने? Somebody came to me, अपने आप ने दसिया भी मैं मेंबर हां वर्किंग फ्रेंड सोसाइटी दा। मेरा मैं की कह सकता कोई भी आ सकता सर। हाँ आ तो कोई सकता है, बट ही वॉज यू नो, मैं थोड़ा सारिया गल्ला सुना जो मेरे कीतिया है। एक तो वह कहते मैं मेंबर हाँ, एक दूजा कहना जी 199 मेंबर है। मैं जी सानू, मैं जी खबर की सानू सूचना यह मिली सी भी मेंबर होर बनाते है। नरेंद्र एक लड़का जसविंदर सिंह, ठीक है, ओ कुछ कागज लेके साडे को आया सी। मेरे को सतनाम दौं को आया सी। सतनाम दौं मेरा साडा एसोसिएट है, साडे चैनल नाल ओ हेल्प करदा, सहयोग करदा। फिर मेरे को गल की, फिर मैं सारा ओ मैटर शिकायत जिहड़ी सीगी सारी पढ़ के, जिहड़ी एसटीएम दी मीटिंग हुई है ओहदे विच जो पता लग्गिया, फिर ओ जिहड़ी 36 करोड़ रुपए च इहदी इहनूं वेचण दा समझौता। बेबुनियाद गल्लां जी, कोई भी गल जिहड़ी मैं तुहाडा वीडियो देखिया सी जी, हां हां, ओहदे विच कोई भी गल दे विच कोई भी बुनियाद नहीं है। नहीं देखो, एसटीएम ने जिहड़ी रिपोर्ट कीती है, फिर जे ओहने इनक्वायरी कीती है ते ओहने रिपोर्ट क्यों नहीं दित्ती शिकायतकर्ता नूं? जी तुसीं पढ़ लो, मेनू काइंडली सेंड कर दिओ एसटीएम दी रिपोर्ट। मेनू सेंड कर देखो, ये तुहाडे कोल पता अगर एसडीएम ने रिपोर्ट दित्ती इस बार? नहीं नहीं, आई डोंट हैव इट। यू सी मिस्टर गगनदीप जी, आई कैनॉट गिव दोज डॉक्यूमेंट्स जसविंदर भी किसी ने फोन किया जी खबर गलत है, तुसी मेनू दिंदे नी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बोलदा नी, ओ रिवील नहीं करदा। नहीं दिंदा ही नहीं हो पाया जी, दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन आई लीड इट टू यू? इट इज मेंट फॉर द मेंबर्स ब्रदर, नो नॉट मेंट फॉर द पब्लिक। आई विल टेल थोड़ा तो मेंबर भी नहीं मांग सकता, जसविंदर मांग नहीं सकता। सर जसविंदर कौन है? मैं जानता नहीं हां। होएगी अगर मेंबर होंगे, ही कैन कम टू मी, आई कैन गिव हिम ऑल दी डिटेल्स, नो प्रॉब्लम। मैं भेजदा जी, मैं जसविंदर नूं थोड़े को भेजदा, ही इज अ मेंबर, ओदे फादर मेंबर सी, हिज फादर हैज डाइड। तुसी हरजीत जी दे बेटे दी गल कर रहे हो, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हरजीत जी इज अ गुड फ्रेंड, वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी हैव बीन इन दिस टुगेदर, नॉट नाउ, आई केम टू नो ही पास्ड अवे। मैं हरजीत, आई डोंट नो हिज फादर्स नेम, बट मी आल्सो, सो दैट इज आई नो माय मेंबर सर, मेंबर्स, सो ही इज वेरी वेल नोन टू मी, आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम आल्सो। मुझे मिले नहीं कदे किसी नूं, जानदे नहीं प्रधान कौन है। ओनू तां ही पता सी मिंदर सिंह प्रधान है, तुसीं किसे होर जसविंदर सिंह दी गल कर रहे हो। सर प्रधान दा ते खैर एक बड़ा बेमानी जिहा टॉपिक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सोसाइटी साडी हैगी है, हां पुरानी हैगी है, हां असीं ओहदे उत्ते फाइट कर रहे हां, ओहदे उत्ते अड़चना आईयां ने, साडे बजुर्ग भी ओहनू फाइट करदे रहे है, सरकार दे नाल, इदारियां दे नाल करदे करदे आपां इत्थे आ गए हां। हुण सानूं कुछ फाइनल अप्रूवल सरकार वल्लों चाहीदे है, सरकार वल्लों। Mainly, so have you followed the procedure as and defined in the cooperatives act? Procedures are being followed, what being laid down by ROs. Everything is followed by them. This is registered. So we follow all and every procedures, protocols, audit. Procedure book hai ki tere ko? Everything, sir. Everything is available online, sir. I don't need to give anything. Everything is available online. All the bylaws, everything are there. All things are there. थोड़ी सोसाइटी दा वेबसाइट बनी हुई है? नहीं सर, we don't need a website. Why do I need to need a website? तुसी कह रहे हो ऑनलाइन पई है? सर मैं गल नहीं समझा सर ताड़ी। I don't need to go public. I'm saying we follow the protocols and bylaws laid down by the registrar of cooperative societies. मैं कह जी, I know भाई साहब गगनदीप जी, मेनू पता है की लॉ कहंदे आ,
ਕੋਆਪਰੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ. ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਓਕੇ, ਵਟ ਇਜ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥਿਅਰੀ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਨਾਟ ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ. Also the same. I am also a member of the. I am not a member. मेरा भी इंटरेस्ट वही है जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स का इंटरेस्ट है, और उसे उत्ते पर फाइट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, and we will certainly get to something. That is very sure. A cooperative society can never enter into an alliance with the private company. Our society can also. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੈਟ ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ. ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਵਿਚ ਸੇ ਦੈਟ ਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਬਾਈ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਹਾਊਸਿਸ ਟੂ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਦੇ ਅਲਾਓ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ ਪਰ ਦੀ ਬਾਇਲੋਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼. ਨਥਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ. ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦੀ ਐਕਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬਾਈ ਦੀ ਐਕਟ ਸਰ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬਾਈ ਦੀ ਐਕਟ. ਲੋ ਠੀਕ. ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਯੂ ਹੈਵ? ਅਫਰੇਡ ਨਾਟ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ ਦੈਟ ਓਕੇ ਜੀ ਰੈਂਦੂਰੇ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਆਈ ਊਡ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ. ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਐ ਫਾਰਮੈਟ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ ਸਰ. There are some members which are registered. Our society, all documents, all papers are audited. The book. And this society has been registered with its members and all the protocols. There is no provision of or decree member through the whole process. Same number of members which were in state, the same members are used. The whole data is being audited by the registrar, and we give all the relevant data to them as per the book. And everything is going as per that only. So there is no provision of adding any number. Mere ko kuch bande information leke aunde, theek hai? My first duty is to cross check the information. From where will I cross check? I will cross check from the department, sir. Yes, that's what that I did. That is the most authentic source. That's what I did, my dear. That's what I did. Main ta jab Narendra aaya si nu phaiya message. 2 March ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡੀ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਅਟੈਚਡ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ. ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, I have certainly nothing to do with your procedures and ways. ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਨ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰ ਸ਼ਟ. You don't want to disclose anything. Department doesn't want to say anything. Okay, find out. Then I'll do, my dear. Then I'll do whatever I receive. Jo information aayi, jo te base karanga na ji khabar mein. Jo kisi paas information confirm nahi karne ke liye. Dekho sir. Waah ji waah. Usi jo story karna hai. Thoda kam story karna hai. Haan ji haan. Theek hai. Tu mere member nahi ho. And my kind of story, my interest is to watch the interest of the society members and the government. That's all. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬਾਈ ਦ ਬੁੱਕ. ਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਫਰੋਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ. ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਗੇਵ ਦੈਮ 15 ਡੇਸ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਸਰਵਲ ਟੂ ਦੈਟ, ਦੈਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਇਟ ਕੇਮ ਆਊਟ
And but it will be, there will be another story, there will be another story, there will be many stories on this. Till I get the correct information. If you want to bring out incomplete information, ਜੋ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਰਸਿਸ ਹੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ 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 ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋ ਸੁਣ ਕਰ ਅਬ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ पंजाब दस्तावेज के संचालक ने वापस नरेंद्र को कॉल लगाकर बात करी। स्क्रीन पर अब आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नरेंद्र जी, मैं थोड़ा मेंबरशिप नंबर की है, वर्किंग फ्रेंड सोसाइटी का थोड़ा मेंबरशिप नंबर की है, थोड़ा मेंबरशिप नंबर की है भाजी, वर्किंग फ्रेंड सोसाइटी का मेंबरशिप नंबर की है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नंबर, तुम कहना मेंबर है वर्किंग फ्रेंड सोसाइटी, तो ही मिले मैंने आके। मैं नंबर नहीं दसांगा जी। है जी, थोड़ा प्रधान कहना मैं नरेंद्र नु जानदा नहीं। जानदे नहीं है मैं। हाँ, पुछो करो गल। हाँ जी, आई डू नॉट रिमेंबर। ठीक है जी। फिर तुम कौन हो, किसी की शिनाख्त करके आए हो मेंबर बन के? हाँ जी, तुम मेंबर बन के आए हो, यूर प्रेजिडेंट डज नॉट नो यू। प्रेजिडेंट भी जानता जी, मैं सारे जानते हैं। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨੀ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ SDM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 300 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 199 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ। ਖਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 199 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਨੀ, ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਨੀ, ਚੁੱਪ। ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨਫਰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨ ਵਾਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂ ਮੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੈਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਟੀ ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ?
ਪਤਾ ਨੀ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੁੱਪੜ ਮੈਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ चुप्पड़ मैन। हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र सिंह एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है और फिर भी मेंबरशिप नंबर देने से इनकार कर देता है और प्रधान भी इस व्यक्ति को नहीं जानते। अब स्क्रीन पर आपको वर्किंग फ्रेंड्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक चैट दिखेगी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधान एक ठग है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमिटी के लोग भी ठग हैं और सबको लूटना चाहते हैं। और साथ ही ये बात भी करी जा रही है कि वो अपने बुजुर्गों द्वारा बनाई हुई सोसाइटी को डूबने नहीं देंगे। एसएसपी, डीजीपी और मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ठग को रोकने के लिए एक मीटिंग करते हैं। इसी के बीच एक मेंबर डॉक्टर खुशवंत सिंह लिखते हैं कि बरार ने उनको धमकाने के लिए उनके ऑफिस कुछ गुंडे भी भेजे थे लेकिन वो डरने वाले नहीं है। 3,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके सामने होमलैंड हाइट्स का प्रोजेक्ट बना है जिसमें 300 फ्लैट है और रकबा 2.25 एकड़ है और फ्लैट की कीमत 2.5 करोड़ से शुरू होकर 3 या 4 करोड़ तक जाती है और पेंटहाउस की कीमत तकरीबन 10 से 11 करोड़ तक। अब आप खुद ही कैलकुलेटर खोल कर अंदाजा लगाएं कि 2.25 एकड़ में 300 फ्लॉट अगर प्लॉट अगर 2.5 से 4 करोड़ तक बिक सकते हैं तो 14.9 एकड़ की जमीन पर आखिर कितने फ्लैट बन सकते हैं। बात करेंगे अब पंजाब दस्तावेज के एपिसोड नंबर 474 की जिसमें 66 सेक्टर की एरोपोलिस सिटी प्रोजेक्ट की खबर दी गई थी जो कि 150 एकड़ में बना हुआ बताया जाता है और कैसे वो इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा था और 7-8 साल से पोजेशन नहीं दे रहा है पैसे लेने के बाद भी। खबर चलने के बाद मालिक तजिंदर भाटिया सूत्रों के मुताबिक देश छोड़कर सिंगापुर भाग गया है। इस प्रोजेक्ट पर पीओ डिक्लेयर हो चुका है और गमाडा का 100 करोड़ इस प्रोजेक्ट ने अभी देना है। उनके प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के एक मेंबर के मुताबिक प्लॉट्स अब तैयार हो गए हैं और गमाडा की भी मंजूरी आ गई है। खबर चलने के बाद एरोपोलिस सिटी ने एक शिकायत दर्ज करी पंजाब दस्तावेज के संचालक के खिलाफ सोहाना पुलिस स्टेशन में जिसमें ये लिखा हुआ था कि संचालक उनके प्रोजेक्ट साइट पर गए और वहां जाकर बहुत ही शोर मचाया जो कि बेबुनियाद और झूठी शिकायत थी। इस हादसे से ये पता चलता है कि मोहाली के आसपास या शायद सारे पंजाब के बिल्डर जो कंपनी बनाकर अमीर हो रहे हैं और जो ऑफिशियल्स और पुलिस उनके सर पर अमीर हो रहे हैं और इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के खाए हुए पैसों पर है और भुगत बेचारे इन्वेस्टर्स रहे हैं जो अपनी जिंदगी की पूंजी एक घर लेने में लगा देते हैं। अब फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर है। हमें उम्मीद है कि वो बादल सरकार जैसी अल्टर स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली गलती ना करें। इसी के साथ ये खबर यहीं समाप्त हुई। मैं अवनी सिंह विदा लेती हूँ। मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।